Hello world, we are in front of my Citroen C3. It is in zesty orange color with platinum grey roof. So basically it is feel dual tone variant with wipe pack. जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा इसमें. And it is the top model of naturally aspirated engine. दो ही वेरियंट आते हैं इसमें, live और feel. It is petrol with manual transmission. इसकी जो starting price है वो 5.88 lakhs से 8.15 lakhs तक होती है. ये जो model आपके सामने खड़ा है ये 8 lakhs on road मुझे पड़ा है with all the accessories. इसमें आपको दो ही इंजन ऑप्शन मिलते हैं. वन इज़ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो आपके सामने खड़ा है, एंड सेकंड इज़ टर्बो वन. थ्री पैक्स अवेलेबल हैं इसमें और 56 कस्टमाइजेशन ऑप्शन अवेलेबल है विद 70 एसेसरीज. आप इसको कैसे भी कस्टमाइज करा सकते हैं अपने हिसाब से. बात करें हेडलाइट्स की तो रिफ्लेक्टर बेस इसमें हेडलाइट्स मिलती हैं जिसका डिसेंट थ्रो आपको मिल जाता है. एक अच्छा खासा इसका थ्रो है रात को. एंड दो इसमें डीआरएल मिलती हैं, एक आपको ऊपर एक नीचे. दूसरे इसको ऐसा कुछ इसका लुक आता है डीआरएल्स का. एक बार मैं दोनों जो DRL से इसको ऑन करके दिखा देता हूँ. ऐसा कुछ DRL का लुक है इसमें विद फॉग लैंप्स. ये फॉग लैंप्स का एसेसरीज का पार्ट है. गाड़ी के साथ आपको फॉग लैंप्स इसमें नहीं मिलते. ऐसी कुछ चाबी मिल जाती है इसमें. दो बटन है लॉक और अनलॉक का. केयरिंग इसके साथ में हमें मिला है Citroen की तरफ से. और ऐसा कुछ दिखता है Citroen का फ्रंट लोगो. 1.2 लीटर का थ्री सिलेंडर इसमें इंजन मिल जाता है हमें जो 80 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है विद 115 Nm टॉर्क विच इज़ बेस्ट इन सेगमेंट. ये आपका ब्रेक ऑयल कंटेनर और यहाँ से इसमें आप फिल कर सकते हो अपना विंडशील्ड वॉशर फ्लूड जो होता है आपका. और ये आपका इंजन कुछ ऐसा दिखता है इसमें. कंपनी क्लेम करती है इसमें 19.8 किलोमीटर पर लीटर का इसमें एवरेज. अंडर बॉडी प्रोटेक्शन इसमें जो लगवाई हुई है इसमें जो इंजन गार्ड है ये एसेसरीज का पार्ट है, कंपनी के साथ नहीं आता. ये मैंने अलग से लगवाया है इसमें. 180 mm की इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है जो कि बहुत अच्छी है नॉर्मल रोड्स के लिए. इससे ऊपर की गाड़ियां जो XUV 300 है उसमें भी 180 mm आती है ग्राउंड क्लियरेंस. ऐसा कुछ साइड लुक आता है इसका. और डायमेंशंस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे इसके गाड़ी के. 2540 mm का इसमें आपको व्हील बेस मिल जाता है जो इसके ऊपर की सेगमेंट की गाड़ी ब्रेजा से भी 40 mm ज़्यादा है, जिससे आपको कैबिन स्पेस बेस्ट इन सेगमेंट मिलता है. 195/65 R15 के इसमें आपको टायर मिल जाते हैं जिनका टर्निंग रेडियस 4.98 मीटर्स है. व्हील कैप इसका गाड़ी के साथ ही है, ऐसे इसका पार्ट नहीं है. इंडिकेटर इसमें आपको फेंडर पे मिलते हैं, इसमें साइड मिरर्स पे नहीं मिलते. ये इसके आपके मैनुअली मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिकल नहीं है इसमें. ऐसा कुछ इसमें हैंडल मिलता है इस गाड़ी में जो थोड़ा चीप सा है लेकिन ठीक है. और डोर्स काफ़ी हैवी हैं इसके. अगर मैं यहाँ से इसको छोड़ भी दूँ तो जाके अपने आप बंद हो जाता है. ये देखो फोर्स की ज़रूरत नहीं है इसको, काफ़ी हैवी डोर्स हैं इसके. तो इससे इसकी बिल्ड क्वालिटी का पता चलता है कि लाइट वेट नहीं है बिल्कुल भी. बाकी चलते हैं इसके रियर साइड. बूट स्पेस देखते हैं इसका. यहाँ पे इसका नीचे की तरफ इसमें बूट बटन है इसमें ओपन करने के लिए. 315 लीटर का इसमें आपको बूट स्पेस मिल जाता है. यहाँ पे नीचे इसका स्पेयर टायर जो बाकी टायर से 1 इंच छोटा है, पर ओवरऑल साइज़ इसका इक्वल ही है. यहाँ पे कुछ इसका आपको कुछ हैंग करने के लिए हुक मिल जाते हैं, एक लेफ्ट साइड एंड एक राइट साइड. ये इसका बटन है बूट ओपन करने के लिए. और ऐसे कुछ आपको रूफ रेल्स मिल जाते हैं जो फंक्शनल दिखते हैं पर शायद है नहीं. इसमें आप लोड कैरी नहीं कर सकते. और ऐसा कुछ ऊपर आपको ओल्ड स्कूल टाइप एंटीना मिल जाता है इसमें. और यहाँ रियर सेंटर में Citroen की बैजिंग, ये ऊपर हाई माउंट स्टॉप लैंप. और ऐसे कुछ आपको दो वाइपर मिल जाते हैं विद वन वॉशर. वॉशर इसमें एक ही है बीच में. और ये जो आप ब्लैक क्लैडिंग देख रहे हैं गाड़ी के चारों तरफ, ये एसेसरीज का पार्ट है जो वाइप पैक में आता है जिसमें फॉग लैंप्स भी आते हैं. 17,000 का आपको शोरूम से पड़ेगा ये. गाड़ी के चारों तरफ इसमें विद फॉग लैंप्स ये ऐसे रोटेट करता है ये पूरा. और ये जो आप ड्यूल टोन कलर देख रहे हैं जिसमें प्लेटिनम ग्रे इसमें रूफ मिलती है, उसकी 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा हैं. अब दिखाता हूँ भाई इसका रियर सिटिंग स्पेस. पीछे डोर्स पे कोई पावर विंडो के स्विच नहीं है, जो इधर भी नहीं है. जो दोनों आपको स्विच मिलेंगे वो यहाँ पे बीच में सेंटर में मिलेंगे इसके. और आगे भी इसमें दो ही हैं, तो ड्राइवर साइड का और जो पीछे जो लोग बैठेंगे पैसेंजर्स बैठेंगे वो भी यहीं से ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं. और ना इसमें पीछे कोई एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं ना कोई आर्मरेस्ट. ऐसा यहाँ से पीछे से कुछ इसका डैशबोर्ड दिखाई देता है. ये इसका फ्रंट डैशबोर्ड लुक. और इतना कुछ इसमें लेग रूम मिल जाता है. हाइट इसमें भी सीट में दिखाता हूँ, इतनी एडजस्ट काफ़ी आगे जगह है. उसके बाद भी पीछे इसमें इतनी स्पेस बचती है. और 1 लीटर इसमें एक बोटर होल्डर मिलता है दोनों तरफ गेट में.
सीट में आपको हाइट एडजस्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है, और ऐसा कुछ इसका गेट का लुक है जिसमें आपको दो पावर विंडो मिलती है, एक बॉटल होल्डर। और यार वीएम आपको ऑटो डिमिंग नहीं मिलता और ना ही कोई स्विच मिलता है इसमें स्विच करने के लिए। एंड ये ऐसा कुछ इसके मैन्युअली एडजस्टेबल इसके ORVMs हैं, जो ओल्ड स्कूल टाइप इसमें आपको नॉब दी गई है। कॉस्ट कटिंग तो बहुत की गई है गाड़ी में। बहुत ही बेसिक सा डिजिटल मीटर मिलता है इसमें आपको, जिसमें बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसमें, जैसे एवरेज डिस्टेंस टू एम्प्टी, टोटल किलोमीटर्स, ट्रिप ए, ट्रिप बी एंड यही एवरेज बस। इसमें और कोई RPM मीटर नहीं है इसमें, और ये सब इसमें कुछ ऐसे साइंस आते हैं कार ऑफ करने पे बस। 10 इंच का इसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जिसका टच काफ़ी अच्छा है, एंड एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो की इसमें कनेक्टिविटी मिल जाती है, और सारी बेसिक चीज़ें हैं इसमें। टच अच्छा है, रिस्पॉन्स अच्छा है काफ़ी इसका। ये इसका वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए, अप डाउन करने के लिए इसका, और कोई फिजिकल बटन नहीं है इसमें वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए। जो फिजिकल बटन मिलेंगे वो आपको स्टीयरिंग पे मिलेंगे, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स में, जिससे आप ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं। और स्टीयरिंग में कुछ बटन मिलते हैं, जैसे कॉल पिक एंड ड्रॉप करने के लिए, सोर्स चेंज करने के लिए, एंड माइक वॉइस कमांड के लिए वाइल ड्राइविंग। और ये ग्लव बॉक्स विद इनफ स्पेस, डीप काफ़ी है, वाइड नहीं है। ये देखो इतना कुछ स्पेस मिल जाता है इसमें, मतलब इनफ है। एक बॉटल होल्डर आपको लेफ्ट में मिल जाती है, लेफ्ट डोर पे, एंड एक राइट में। चारों पावर विंडो आपको ऑटो डाउन मिलेंगे, ऑटो अप नहीं मिलेंगे। देखो ऑटो अप नहीं है, ये ऐसे पीछे के ऑटो डाउन है, ऑटो अप नहीं है। और इसी के नीचे आपको दो USB पोर्ट मिल जाते हैं चार्जिंग केबल के। ऐसी कुछ केबिन लाइट है इसकी हेलोजन में। पैसेंजर साइड सनवाइजर में मिरर मिल जाता है, ड्राइवर साइड में नहीं मिलता। कोई टिकट होल्डर भी नहीं है इसमें। गैस का डोर लॉक अनलॉक करने का स्विच, जो स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक फीचर के साथ आता है। ऐसी डिफरेंशी शेप का इसका गियर लीवर मिल जाता है, जिसके ऊपर आपको यहाँ पे AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, AC का फ्लो का, स्पीड का एंड टेम्परेचर का। एडजस्टेबल हेडरेस्ट इसमें नहीं आते, ना ही इसमें कोई आर्मरेस्ट आता फ्रंट आगे की तरफ, और इसमें पार्सल ट्रे भी मिलती है पीछे। और यहाँ पे कुछ स्विच दिए गए हैं इसमें, ये इसका है हेडलाइट बीम लेवलर, ऊपर नीचे कर सकते हैं इससे हम। तीन लेवल हैं इसमें, ये सबसे नीचे और ये सबसे ऊपर। ये फॉग लैंप ऑन ऑफ करने का स्विच, ये पावर विंडो लॉक करने का स्विच, ये इसकी हॉर्न की साउंड, ड्राइविंग सीट से इतनी कुछ विजिबिलिटी मिलती है जिसमें आपको बोनेट के प्रॉपर एजेस भी शो होते हैं। फोर डोर स्पीकर्स मिलते हैं जिसकी एक काफी अच्छी साउंड है। और ये थोड़ा स्पेस है यहाँ पे, दो ग्लास होल्डर और थोड़ा ऊपर स्पेस, यहाँ पे थोड़ा स्पेस और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस। एडजस्टेबल सीट बेल्ट हाइट नहीं मिलती, ना कोई हैंडल मिलता है यहाँ पे, ना वहाँ पे कोई हैंडल है, पीछे है बस, पीछे दो हैंडल है यहाँ पे और एक राइट साइड यहाँ पे। ऐसा कुछ रोड प्रेजेंस आता है गाड़ी का रियर साइड से। तो यही था भाई मेरी सिट्रोन C3 का रिव्यू। आई होप मैंने सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली हूँ। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं इस गाड़ी को लेके लद्दाख जाने वाला हूँ, सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। मैं उसमें सारी चीज़ें कवर करूँगा इसमें, गाड़ी से रिलेटेड एंड लद्दाख जर्नी से रिलेटेड। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको मेरी इस गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू देखना है तो आप DDS चैनल पे, रवि सर के चैनल पे देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।